सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक अनदर प्रीमियम वीडियोस के एपिसोड नंबर 4 में। और आज हम लोग टीम करने वाले हैं इकतीस सोरस। तो यहाँ पे उसको इकतीस सोरस को टीम करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारे फिश मीट की, और साथ साथ अगर आपके पास हो सके तो एक स्मूदिंग ब्लेम भी ले लीजिएगा ताकि हम लोग उसे फास्ट तरीके से टीम कर सकें। अदरवाइज़ अगर आप लोग विदाउट स्मूदिंग ब्लेम टेम करना चाहेंगे तो मिनिमम 10 से 15 मिनट लग सकता है एक लो लेवल इकतीसोरस को टेम करने के लिए। तो यहाँ पे आप किसी भी वाटर के कॉर्नर में आ जाइए, वाटर के कॉर्नर में आते ही आपको बहुत सारे इकतीसोरस दिख जाएंगे। बहुत सारे तो नहीं बट फिर भी कुछ ना कुछ दिख जाएंगे, एक दो इकतीसोरस, क्योंकि वो सब बहुत ज़्यादा पास में ही रहते हैं, कॉर्नर में ही रहते हैं पानी के। यहाँ भी देखिए जैसा कि एक मुझे आते ही मिल गया। ये सब विल्ड क्रीचर या फिर डाइनो से कुडल करना पसंद करते हैं। और यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने पहली बार इसे फीड किया तो यह एक बार में 5% गया है। अगर यह एक हाई लेवल का होता तो थोड़ा सा और कम जाता। और साथ ही साथ मैं बता दूँ, अगर ज़्यादा पानी के अंदर आप जाएँगे तो यहाँ पर थोड़ा सा खतरा हो सकता है। तो मेक श्योर करिए कि आप लोग ज़्यादा पानी के अंदर ना जाएँ, बल्कि इन सभी को पानी के कॉर्नर में ला लें, तब उसके बाद इनको टेम करने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए कितने सारे मंत्रा हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होगा आपको। और मैं किसी तरह इनको कॉर्नर में ला सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा पीछे चले जाइएगा इनको फीड करके एक बार, तो जिसकी वजह से सब पीछे आ जाएंगे और आप ईजिली इनको टेम कर पाएंगे। बट मेक श्योर करिएगा कि एक बार फीड करने के बाद इसके पीछे ज़्यादा देर तक न रहें, क्योंकि एक बार फीड करने के बाद काफ़ी टाइम लगाते हैं सब दोबारा हंगरी होने में। बट याद रहे, अगर दोबारा जब एक बार ये हंगरी हो जाएं, फिर तीसरी और चौथे राउंड में जो होता है इनका जो हंगरी लेवल बहुत तेज़ फास्ट होता है, बस एक ही बार थोड़ा सा दिक्कत होता है, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी ये हंगरी होते हैं। तो बस आपको जितना दिक्कत है सिर्फ एक ही बार में है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा किसी तरह। तो यही इसका एक ट्रिक है जैसे कि फास्ट तरीके से टेम करने का, अगर आप लोग स्मूदिंग ब्लेम नहीं यूज कर रहे हैं तब तो एक बार आपको बहुत ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें फिर नॉर्मल होने लगेंगी आपके लिए। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा अभी तक ये हंगरी नहीं हुआ है हमें कुछ देर, देखिए यहीं यहाँ पे हंगरी दिखा रहा है फ़िलहाल, तो लो लेवल इसलिए थोड़ा सा फास्ट हंगरी हो गया। ये देखिए अब मैं इसे स्मूदिंग ब्लेम फीड करने वाला हूँ, और जैसे ही स्मूदिंग ब्लेम फीड करूँगा उसके बाद मैं यूज करूँगा फिर से फिश मीट यूज़ करूँगा। ये देखिए फाइनली जो है इस बार ये थोड़ा सा अप गया है, काफ़ी ज़्यादा 50% कम्प्लीट हो चुका है, 10 गुना स्मूदिंग ब्लेम देने के बाद ये टोटल 45% गया है एक बार में। 5% जा रहा था एक बार में पिछली बार हमने जैसे कि देखा था एक बार में इसको। और ये देखिए दूसरी बार बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया तीसरी बार इसे हंगरी होने में, और फाइनली जो है मैंने इसे टेम कर लिया इकतीसोरस को। और अब बार ये इसके सैडल की, तो चलिए सैडल की बात करें तो इसका सैडल हमें मिलेगा लेवल 13 पे, और इसे क्राफ्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी हमें, फ्लिंट, मेटल, हाइड, वुड, और साथ साथ ज़रूरत पड़ेगी हमें कुछ हाइड तो हमने ऑलरेडी बोल दिया है, तो स्टोन की कुछ ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैं धीरे धीरे सब कुछ क्राफ्ट कर रहा हूँ, तो सारा मटेरियल मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर दूँगा। और फिलहाल के लिए तो हम लोग यहाँ पे मेटल कलेक्ट कर रहे हैं, हमें 10 मेटल की ज़रूरत पड़ेगी और साथ साथ हाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेटल और हाइट इस तरह से मिल जाएगा जिस तरह से फ़िलहाल के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, और मेटल आपको इन पत्थरों से मिल जाएगा, अदरवाइज़ थोड़ा थोड़ा जो गोल्डन टाइप का पत्थर आता है उससे मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें टोटल 10 मेटल की ज़रूरत है, और साथ ही साथ हमें फ्लिंट की ज़रूरत है, फ्लिंट भी हमें इसी रॉक से मिल जाएंगे, और साथ साथ हमें वुड की ज़रूरत पड़ेगी तो वुड भी हमें कलेक्ट करना होगा, और इतने में हो जाना चाहिए हमारे पास काफ़ी मात्रा में, देखते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है मेटल हो चुका है, अब हमें ज़रूरत है थोड़े से वुड की, और फाइनली वुड भी हो गया हमारा। अब फाइबर की ज़रूरत है हमें, फाइबर थोड़ा सा कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग बिल्कुल रेडी हो जाएंगे इसके सैडल को क्राफ्ट करने के लिए। और इतना तो हो जाना चाहिए, हमें करीब करीब 50 के आसपास फाइबर चाहिए था, और फिलहाल थोड़ा सा और फाइबर चाहिए हमें, थोड़ा सा और क्राफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे।
और ये हम लोग बिल्कुल रेडी हैं इसका सैडल क्राफ्ट करने के लिए। और फाइनली हमने इसका सैडल जो है क्राफ्ट कर लिया है। अब चलिए चलते हैं हम अपने युक्ति सूरज की तरफ और इसको देते हैं ये सैडल। तो मैं आपको इसका यूज़ बता देता हूँ। युक्ति सूरज का यूज़ हम लोग पानी में अंदर बाहर ट्रेवल करने के लिए कर सकते हैं। और हालांकि ये एक ऐसे टीम होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अंदर बाहर जो है इनको पानी में आने और जाने के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। ये सब अटैक के मामले में उतना खास नहीं होते जितना खास मेगला डाउन होता है। तो फ़िलहाल के लिए इसका यूज़ सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए कर सकते हैं आप लोग फास्ट तरीके से। ये देखिए तो फिलहाल जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैं इस समय इसको यूज़ कर रहा हूँ पानी के अंदर ट्रैवल करने के लिए। तो इसका स्पेशल यूज़ यही है बस, और कोई इसका खास यूज़ नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले प्रीमियम्स वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें।